बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, WS स्टूडियो की जानिब से मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आपके लिए सेकंड ईयर फिज़िक्स इसकी पेरेंट स्कीम 2021 लेकर हाजिर हुआ हूँ, यानी कि आपके जो 2021 के पेपर होंगे फिज़िक्स के, वो किन चैप्टर्स में उसे होंगे और कौन से चैप्टर आपके सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाजमी लाइक करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। आपकी ये जो पेयर स्कीम है, ये लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, साहिवाल, बावलपुर, सरगोधा, रावलपिंडी, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान, इन बोर्ड्स के लिए वैलिड है। तो इसका पहला जो पोर्शन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो किस चैप्टर में आएंगे, 12वें चैप्टर में 2, 13वें में 1, 14वें, 15वें और 16वें में 2-2 MCQs होंगे, जबकि 17वें में 1 MCQs होगा, 18वें में 2 होंगे, 19वें में 1 होगा। चैप्टर नंबर 20 और 21 में भी 2-2 MCQs होंगे। इसके बाद आगे शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, इसके टोटल आपने 8 क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 12, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन 4 आएंगे। चैप्टर नंबर 14, इसमें भी 4। चैप्टर नंबर 15, इसमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, जबकि क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपने टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। 13वें चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 16वें चैप्टर में 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 17वें चैप्टर में आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जबकि 18वें में आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। यानी कि आप 13वां, 16वां, 17वां ये चैप्टर 3 कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो जाते हैं, और इसी तरह आप 12वां और 14वां कर लें तो आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। मज़ीद आगे देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट चैप्टर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर 19, इसमें आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जबकि चैप्टर नंबर 20, इसमें आपने 3 करने हैं। तो 19 और 20 कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 12वां चैप्टर करना है 5वें सवाल के लिए और 13वां चैप्टर, जबकि 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर आपने सवाल नंबर 6 के लिए करना है, 16वां और 18वां आपने सवाल चैप्टर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करना है, जबकि 8वां क्वेश्चन होगा 17वें और 19वें में। अब यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम फ़र्ज़ किया 12वां चैप्टर और 13वां चैप्टर, 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर, ये 4 चैप्टर अच्छी तरह करें तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से कवर होते हैं वो देखते हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 12वें और 14वें में
ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेक्शन में आप तेरहवां चैप्टर और सोलहवां चैप्टर, ये आ गया, यानी कि बारहवां तेरहवां चौदहवां और सोलह, चार चैप्टर ये हो गए। और उसके बाद यहाँ पर हमारा बारहवां तेरहवां चौदहवां और साथ हम ये चैप्टर नंबर 15 भी साथ कर लें, यानी कि हम ये बारहवां तेरहवां चौदहवां पंद्रहवां ये चार चैप्टर अच्छी तरह करें तो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे और साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं, तो और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके साथ मैं इंशाल्लाह जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँगा जिसमें मॉडल पेपर होंगे, उस मॉडल में पेपर से ज़्यादा मज़ीद बेहतर समझ आएगी कि कितने सवाल करने, किस तरह करने हैं। तो आप लोगों ने इस पेपर स्कीम को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करना है और वीडियो को भी लाजमी लाइक करना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। मुझे दीजिए इजाज़त, वसलाम।